हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फूड ट्रैवल कैफे। दोस्तों, आज हम राजस्थानी स्टाइल में पंचरत्न दाल बनाने वाले हैं। ये आपके लिए दाल की रेसिपी में एक चेंज भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये खाने में भी काफी यम्मी होता है। इस रेसिपी को बनाने के पहले, आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस पंचरत्ना दाल को बनाने के लिए हमने ये लिया है थोड़ा सा तूर दाल। आपको सारा इक्वल क्वांटिटी में लेना है। उसके बाद मसूर दाल, फिर चना दाल, ये मूंग दाल, और ये उड़द दाल। अब ध्यान रखें कि सारे दाल को आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है और जितने लोगों की सर्विंग है उसी अनुसार आप अपना दाल ले लेंगे। और इन सारे दाल को मिलाकर हम इसमें पानी डाल देंगे। इसे 15-20 मिनट तक लगभग फूलने के लिए छोड़ दें। ये दाल हमारा लगभग 20 मिनट तक हमने पानी में से सोक कर लिया था। अब इसे धोकर हम इसे कुकर में डाल देंगे। और इस दाल में हम डालेंगे थोड़ा हल्दी। आप पानी जितना दाल खाते हैं उतना पानी इसमें ऐड कीजिएगा। इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। ये सारा डालकर हम दाल को मीडियम फ्लेम पर लगभग 4-5 मिनट सीटी आने तक इसे पकाएंगे। मीडियम फ्लेम, आप फ्लेम को मीडियम कर लें और 4-5 सीटी आने तक इसे पकने के लिए छोड़ दें। ये हमारा दाल लगभग 5 सीटी दे चुका है और ये मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है और ये अभी रेस्ट का हो रहा है। तब तक हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। हमने पैन में थोड़ा घी गरम किया है और उसमें डालेंगे थोड़ा राई, थोड़ा जीरा, ये जब थोड़ा क्रैक हो जाए तो इसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक और फाइनली चॉप्ड जिंजर, ये हम सारे इसमें डाल देंगे और डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसी में हमने अनियन काट कर रखा हुआ है, ये अनियन भी डाल देंगे। अनियन को हमें थोड़ा सा पकाना है। इसमें हल्का नमक, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला हुआ है इसलिए हम नमक बिल्कुल कम डालेंगे। इसमें थोड़ा हल्दी, प्याज को थोड़ा अच्छे से पका लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा मसालों का यूज कर सकते हैं, मैं इसे अवॉइड कर रही हूं। वैसे धनिया पाउडर थोड़ा सा आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली का यूज किया हुआ है तो मैं ग्रीन चिल्ली इसमें डाल रही हूं। इसमें थोड़ा सा हींग और टमाटर,
कटे हुए टमाटर, इसे हम अच्छे से पका लेंगे कि टमाटर एक प्यूरी टाइप से हो जाए। इसमें डाल देंगे दाल, ये दाल हमारा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी मिला देंगे। क्योंकि दाल ये ठंडा होने पर थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। इसे थोड़ी देर, 2-3 मिनट तक और बॉईल होने दें, क्योंकि दाल हमारा पहले से पका हुआ है तो इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। ये 3 मिनट तक लगभग हमारा ये दाल बॉयल हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राजस्थानी स्टाइल में पंचरत्ना दाल रेडी है। आप इसे कोरिएंडर लीव से गार्निश कर लें और आप गरम गरम इसे रोटी या राइस के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें।